हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि क्लास 12 के जो एग्ज़ाम्स थे वो पोस्टपोन्ड हो रहे थे, लेकिन अब उनको कैंसिल करना पड़ा ड्यू टू सम कंडीशन। बट हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस है कि जो बच्चों के मार्क्स हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने वाले बच्चों को जो है कम मार्क्स मिल जाए और जो नहीं पढ़ते हैं बच्चे उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, है ना? हो सकता है ना, गवर्नमेंट हमें पर्सनली तो देखने आ नहीं रही है क्या होगा क्या नहीं होगा। या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि असाइनमेंट और प्री बोर्ड के और अटेंडेंस के बेसिस पर जो है मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया जाए। अगर मार्क्स कैलकुलेट कर भी दिया जाएगा तो फिर दूसरी कंडीशन है कि JEE और नीट के जो क्राइटेरिया क्या होगी, है ना? उनकी क्राइटेरिया भी डिसाइड होना है ना? या फिर जो हमारे ग्रेजुएशन में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, है ना, उनकी क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं रहेगी, किस लेवल का परसेंटेज जाएगा, कितना ऊपर तक कट ऑफ जाएगा, ये सारी बातें हमारे सामने आती है। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या ऑफिशियल न्यूज़ आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि जो तुम्हारा रिज़ल्ट है वो असाइनमेंट और प्री बोर्ड के बेसिस पर दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है उसने बहुत मेहनत की, अगर नंबर कम आ गया तो वैसे भी गवर्नमेंट ने तो कहा ही था कि वो जिस बच्चे जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है ना, वही वो इन फ्यूचर जब कंडीशन सही हो जाएगा, ये कोविड का पैंडेमिक थोड़ा कम हो जाएगा, तो अपने भाई री एग्ज़ाम के लिए वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा टाइम लॉस होगा, टाइम बर्बाद होगा, है ना? या इस केस में ये भी हो सकता है कि बच्चे का जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी में वो हाथ से चला जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो कोई बात नहीं है। और एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए ख़त्म नहीं हुआ है जो नीट और JEE के लिए या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। तो अभी ये सोच के मत बैठ जाना कि भाई हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया अब तो मौज है। नहीं, पढ़ने वालों के लिए कभी कोई समय ख़त्म नहीं होता, है ना? हर टाइम हर समय तैयार होना होता है। 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना भाई, कैंसिल हो गया है। अब JEE और नीट का तो कैंसिल नहीं हुआ है ना, तो उस चक्कर में अपना ढीला मत कर लेना, वरना तुम्हारा जो मेहनत है इतने सालों का, जो कंटिन्यूटी बना के रखा था मैंने, या तुम किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे थे भाई, वो ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना? कंटिन्यूटी रहना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पूरे साल से तुम इतना मेहनत से पढ़ रहे थे, अब एकदम से 1-2 महीना रेस्ट ले लोगे तुम और फिर तुम जाओगे JEE और नीट का पेपर देने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? ये बात तुम्हें मालूम है। अपने मेमोरी में ज़्यादा देर तक वैसे भी कुछ स्टोर होता नहीं है ठीक से। तो मैं तो ये कहूँगा यार, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो ज़्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है ना? अपने फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। और वैसे यार मैं बताऊंगा कि मेरे वीडियो को आप लोग देखते हो, व्यूज़ है ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना? पैसे लगते हैं क्या सब्सक्राइब करने में, है ना? बटन ही तो दबाना है, जाओ दबाओ सब्सक्राइब करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? आपका भाई आपके लिए हाजिर है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सॉल्व करके दूंगा। नहीं करके दूँ तो आप कह देना कि हाँ भैया आपने सॉल्व करके नहीं कहा, नहीं दिया है, आपने कहा था पर नहीं दे पाए। ठीक है, जहाँ तक मेरे से होगा मैं करके दूंगा, आपके साथ हूँ। ठीक है, बाय, गुड नाइट।